फ्रेंड्स, ये नौमी के दिन शाम के टाइम की वीडियो है जो मैं स्टार्टिंग कर रही हूँ चाय से। और मैं चाय बना रही हूँ, तुलसी पत्ता, चाय पत्ती, चीनी, ये सब चीज़ डाल के मैं चाय बनाऊँगी शाम की चाय। और मैंने इसमें चीनी, तुलसी पत्ता और चाय पत्ती डाल दिया है, दूध डाल दिया है। 2 कप ही चाय चाहिए थी मुझे, 2 कप चाय तैयार हो गई है। सुबह का पकौड़ा बचा था, उसके साथ हमने शाम की चाय वो कर लिया है। और चावल बिठा दिया है मैंने, क्योंकि खाना ज़्यादा बनाना नहीं था तो थोड़ा सा चावल बनाया है। मूली है, मिर्ची है, एक पूरी है और खीर है, दाल है, सब्जी है। हम लोग का खाना हो गया है शाम के टाइम का। और बर्तन भी मैंने धो दिया है। गुड मॉर्निंग, ये सुबह 31 तारीख की वीडियो है जो मैं सुबह से स्टार्ट कर रही हूँ। मैं नहा धो के आ गई हूँ, अभी नाश्ता करने जा रही हूँ। और नाश्ता मैंने कुछ बनाया नहीं था, वो हलवा बचा था प्रसाद का, तो वही मैंने और इन्होंने दोनों ने नाश्ता कर लिया। और थोड़ा सा मतलब खाना बनाना है, दाल चावल और आलू भिंडी और प्याज की भुजिया बनानी है, तो वही खाना बना रही हूँ। दाल तो मैंने बना लिया है, चावल भी बना लिया है, और ये सब्जी है जो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। और सिंपल सा ही ये भी बनाया है मैंने, इसमें कुछ ज़्यादा मसाले नहीं डाले हैं। और भिंडी कम था, क्योंकि भिंडी ये 2 दिन पहले लेकर आए थे तो सूख गया था भिंडी, तो मैंने जो भी था उसको कट करके डाल दिया। इसमें प्याज डाल दिया है और ये भुजिया भी मेरी तैयार हो गई है। और ये खाना हम लोग का दोपहर का हो गया है। और आज मैं आप लोग के लिए बहुत ही अच्छा एक टिप्स लेकर आई हूँ जो कि एलोवेरा से जुड़ा हुआ है। एलोवेरा अपनी स्किन के लिए बहुत ही अच्छा है, और मैंने अपनी अगली वीडियो में आप लोग को बताया भी था कि एलोवेरा गर्म पानी में सुबह में पीने से बहुत ही फ़ायदा होता है, स्किन के लिए भी बहुत फ़ायदा होता है, और स्किन के लगाने से भी एलोवेरा बहुत ही मतलब अच्छा होता है। तो वो ही लेकर आई हूँ मैं आज। मैंने एक प्लेट लिया है, प्लेट पर मैंने फॉइल पेपर वो कर लिया है, लपेट दिया है अच्छे से। और ये एलोवेरा है जिसका ऊपर का स्किन मैंने हटा दिया है, और उसको छोटे छोटे जैसे बर्फ का वो बर्फ क्यूब होता है ना, आइस क्यूब, उसकी साइज़ में मैंने इसे कट कर लिया है। जितना भी कट करके रखा है ना मैंने, वो सारा वो पेपर लपेट के जो रखा था प्लेट में, उसमें मैंने रख दिया है एक एक करके अलग अलग। और इसको मैं फ्रिज में रखूँगी, मैं बैक कैमरे से आपको दिखा देती हूँ मैंने कैसे रखा है इसको। और ये एक एक छोटे छोटे क्यूब, बर्फ के क्यूब जैसा मैंने वो करके फ्रिज में रख दिया है। ये आधे घंटे तक आप इसको फ्रिज में रखना और फिर इसको आप स्किन पे लगाना, बहुत ही असर मतलब इसका असर बहुत ही अच्छा होता है। एक तो गर्मी का दिन है तो स्किन वैसे भी डल हुई रहती है, तो ठंडा जो हमारे स्किन के लिए बर्फ बहुत ही अच्छा होता है, तो इसको ठंडा करके एकदम अच्छे से ठंडा करके फिर इसको आप अपने चेहरे पे लगाइए। और इसको अंगूठे से ना थोड़ा सा फोड़ते रहना है ताकि इसका जो भी पल्प है वो आता रहेगा। और इसको ऊपर के साइड से मसाज करना है हल्के हाथ से। मैंने इसे पूरे अच्छे से मसाज कर लिया है चेहरे पर, और फिर मैं इसको 10-15 मिनट छोड़ दूंगी ताकि अच्छे से सूख जाए। फिर इसको मैंने हल्के पानी से वो कर दिया है, धो दिया है, मतलब पानी गर्म नहीं चाहिए, ठंडा पानी ही चाहिए। ठंडे पानी से इसको मैंने साफ़ कर लिया है। देख लीजिए कितना अच्छा इसका वो रिज़ल्ट, बहुत ही अच्छा आता है। जो भी दाग धब्बे होंगे ना स्किन पे वो सब साफ़ हो जाएंगे। लेकिन हाँ, पेशेंस रखना पड़ेगा, ये नहीं कि आज लगाया और कल रिज़ल्ट चाहिए, ऐसा नहीं होता है। तो ये वीडियो मेरा कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, लाइक कर दीजिएगा, और नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो का एंड करती हूँ यहीं पे, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।